दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, जिंदा और मुर्दा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर में एक बड़ा भोकाल आने वाला है, जिस भोकाल का नाम है मिर्जापुर सीजन 2। जी हाँ दोस्तों, 23 अक्टूबर को मिर्जापुर सीजन 2 रिलीज होने वाला है। तो अब मिर्जापुर सीजन 2 के एक स्टार कास्ट में से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वकील साहब, जिन्हें हम जानते हैं राजेश तेलांग सर के नाम से। तो दोस्तों, मिर्जापुर 2 के राजेश तेलांग जी आज हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे मिर्जापुर सीजन 2 को लेकर। इसके अलावा उनके अपकमिंग जो वेब सीरीज है, फिल्में हैं, उनके बारे में भी बहुत ज्यादा बातें करने वाले। ये मिर्जापुर सीजन 2 जो इस वक्त इंडिया की मोस्ट मच अवेटेड वेब सीरीज है, जिस तरह से बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 फिल्म के लिए लोगों का इंतजार था ना, उसी तरह वेब सीरीज में देखे जाए तो मिर्जापुर 1 के बाद मिर्जापुर 2 के लिए लोगों के बीच में वैसी ही एक्साइटमेंट है, या हम कह सकते हैं कि बाहुबली 2 मिर्जापुर है वेब सीरीज के मामले में। तो सर, जितने भी मिर्जापुर के फैंस है और आपके फैंस है, उन लोगों का आप क्या कहना चाहोगे कि मिर्जापुर इस सीजन 2 में इस बार नया क्या होगा? देखिए, मिर्जापुर सीजन 2 में नया तो बताऊंगा तो अच्छा नहीं बात है कि क्या नया होगा, वो स्पॉइलर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको मिर्जापुर 1 जितना ही मजा आएगा, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। जी सर। और मिर्जापुर 2 देखने के बाद आपका सवाल बदल जाएगा, आपका सवाल होगा कि मिर्जापुर 3 कब आएगा। मतलब सर, ये आप हिंट दे रहे हो कि मिर्जापुर सीजन 3 भी आएगा? मतलब ये हिंट तो नहीं, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर पैदा होगा आपके दिल में। आप चाहेंगे कि मैं समझ गया सर, आप 3 आना है, जितने भी व्यूअर्स है वो भी समझ गए कि 3 आएगा। ये तो मुझे पता नहीं ऑफिशियली, बट हाँ, वो आपके अंदर वो एक जिज्ञासा जरूर पैदा करेगा। जी सर। तो सर, जैसे आपने मिर्जापुर 1 में भोकाल मचाया था और बिल्कुल कचहरी के अंदर लोग गुंडों को पीट देते थे, तो इस बार आपका एक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिर्जापुर 2 में? देखिए, आप चरित्र हैं, बहुत सारी घटनाओं से गुजर के बदलते हैं, है ना। इतनी बड़ी घटनाओं से वो जो शादी वाला कांड हुआ था आखिर में, जिसमें परिवार के, मतलब अगर असलियत में कहा जाए तो 3 लोगों को खोया। जी सर। है ना, बबलू को खोया, गुड्डू की पत्नी को खोया, और उसके पेट में पल रहे अपने पोते को या पोती को भी खोया। तो एक तरह से परिवार के 3 लोगों को खोया है, तो उससे चरित्र में बदलाव तो आएगा ही ना। समझ गया सर, मैं आपका इशारा समझ गया और ऑडियंस भी समझ गई कि आपका चरित्र क्या बदलने वाला है। हालांकि आई डोंट नो ये क्या बताऊं मैं, लेकिन हाँ, बदलाव तो जरूर होता है। तो सर, आप जहां मिर्जापुर सीजन 2 के सबसे बड़े विलन गुड्डू भैया, जो कि मिर्जापुर सीजन 2 के बाप है, और आप गुड्डू भैया के भी बाप हो, तो सर आपसे भी लोगों को उम्मीद है कि आप भी इस बार गुड्डू भैया से भी आगे जाओगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं? ये नहीं, गुड्डू देखिए, राहें जुदा जुदा होती हैं सब चरित्रों की। जी सर। और हर चरित्र का बदला लेने का या प्रतिशोध लेने के अपने अपने तरीके होते हैं। जी सर। तो सर, मेरा सवाल ये है, चरित्र चरित्र अपने मुताबिक ही रहेगा ना। सर, मेरा सवाल ये था कि 23 अक्टूबर को मिर्जापुर सीजन 2 तो रिलीज होगा, इसके अनाउंसमेंट अभी पिछले दिनों हुई, लेकिन सर यहाँ पे जितने भी मिर्जापुर सीजन 2 के फैंस हैं, वो बेचारे दिन रात अपने में भी एक ही सवाल पूछते हैं कि मिर्जापुर सीजन 2 का ट्रेलर कब आएगा? देखिए, आज एक पोस्टर रिलीज हुआ है अभी, और अभी धीरे धीरे सारी चीजें आनी शुरू होंगी। मतलब पूरा, अब वो 1 महीने का जो कार्यक्रम है जो आपकी सेवा में शुरू हो जाएगा जल्दी। मतलब कि ये कह सकते हैं कि नवंबर में शायद देखने को मिल सकता है ट्रेलर? जल्दी होगा, मतलब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। सर, देखिए, देर सब्र का फल मीठा होता है, और देर आए दुरुस्त आए, बहुत सारी कहावतें हैं इसके लिए। सर, बाकी मिर्जापुर सीजन 2 ने कुछ ज्यादा ही देर कर दी, साल के शुरुआत में आने वाला था, साल के एंड में आ गया। सर, इसके जो बार बार इसके रिलीज डेट पोस्टपोन हुई, इसके पीछे की क्या वजह थी? कई दर्शक पूछना चाहते कि आखिर मिर्जापुर सीजन 2 इतना लेट रिलीज क्यों हो रहा है?
देखिए, एक तो अच्छी चीज बनाने में वक्त लगता है, सही बात है सर, कोई ऐसा है नहीं कि कोई अच्छी चीज आप तुरंत बना दें। दूसरा, पॉसिबल लॉकडाउन भी, लॉकडाउन ने भी अपना अपना वो योगदान दिया है इसमें। सर सही है ना सर। ये भी कह सकते हैं कि मिर्जापुर सीजन 2 को शांति से और अच्छे से बनाया गया है, मतलब जल्दी रिलीज करने के चक्कर में कुछ भी बना के नहीं परोसने की कोशिश, नहीं, पूरी ईमानदारी बरती गई है, मैं इतना कह सकता हूँ। इसी के कारण इसके रिलीज डेट आगे बढ़ी, मतलब बहुत कारण रहे होंगे, लेकिन बनाने में पूरी ईमानदारी और कोई जल्दबाजी नहीं बरती गई है। अच्छा काम करने के लिए वक्त चाहिए होता है, और वो वक्त अच्छे से लेके अच्छे से बनाने की कोशिश की गई है।